Yes, students, in this chapter, working of institution, organs of government, till now we have covered legislature part, executive. Now we will complete judiciary, in which the functions of Supreme Court, I have discussed some of the functions with you, clear? And number one, original functions. Original function matlab original powers. Some cases comes directly to the Supreme Court. Seedha Supreme Court ke paas aate hain. Aise cases unko kya kaha jata hai? Original cases ya original powers bhi kehte hain. Kaun se cases? States or central government. Disputes between state and central government. Jab ek state or central government ke beech mein koi dispute ho. या अलग अलग स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट, तो ऐसे केसेस सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, इनको क्या कहा जाता है? ओरिजिनल पावर्स. ठीक है, देन कुछ केसेस ऐसे होते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आते, वो पहले हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट उनको अपील करता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए. ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं? अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन या अपेलेट केसेस. Appellate powers. Appellate, यहाँ पे appellate का मतलब होता है related to appeal, यानी कि ऐसे केसेस जिनकी अपील की जाती है पहले हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आते हैं. पहले ये हाई कोर्ट में आएंगे. कौन कौन से? सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. सिविल, क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. सिविल में आ गया जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता, मैरिज, प्रॉपर्टी, एडॉप्शन से रिलेटेड. क्रिमिनल जिसमें चार्ज ऑफ मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर इन्वॉल्व होता है, क्राइम इन्वॉल्व होता है, वो केसेस. या कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज के रिलेटेड कोई ऐसा इशू है रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के रिलेटेड कोई ऐसा इशू है, तो ये जो ऐसे जो केसेस हैं वो सीधा पहले हाई कोर्ट में आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अपेलेट, अपेलेट भी कहते हैं, या अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन या अपेलेट पावर्स कहा जाता है. देन थर्ड है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्जियन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें हमने कौन सी पावर बतानी है? जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू इसका मतलब क्या है? इफ गवर्नमेंट पासिस एनी लॉ, अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करती है, बट दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है या लोग उसका अपोज करते हैं, न्यूज़पेपर में, मीडिया में रैलीज करते हैं कि दिस लॉ इज नॉट सुटेबल. ठीक है, इफ गवर्नमेंट ऑफ आर कंट्री पासिस एनी लॉ दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, then Supreme Court can declare that law unconstitutional. इस पावर को, सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू. कि जुडिशरी क्या कह सकती है? रिव्यू करने के लिए कह सकती है. रिव्यू करना मतलब उस लॉ को दोबारा से देखना, दोबारा से उसके ऊपर विचार किया जाए, ताकि अगर कोई भी सोसाइटी में कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप है जो उस लॉ से बेनिफिशियल या जो उस लॉ के अगेंस्ट है, उसको सेटिस्फाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है. वट एवर द आर्टिकल्स एंड पार्ट्स एंड शेड्यूल्स हैव बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिफाई करता है, इंटरप्रेट करता है. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल इंटरप्रेटर, उसको एक्सप्लेन करता है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ
government of our country passes any law that is against the constitution, jo constitution ke against hai, so in that case that power of supreme court is known as judicial review, in which it can declare any law unconstitutional. अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर फिर से विचार करेगी, फिर से रिव्यू करेगी, ताकि उस पर्टिकुलर लॉ का या उस पर्टिकुलर बिल का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको दोबारा से रिव्यू किया जाए, ताकि लोग उस लॉ से सेटिस्फाई रहे. ठीक है, जिनके लिए वो पास किया गया है वो उससे सेटिस्फाई रहे. दिस इज द मेन रीजन. ठीक है, सो दिस पावर इज नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जुडिशियल रिव्यू भी कह सकते, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो. ठीक है, देन इसके बाद फिर हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट आल्सो प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स. प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, it means six fundamental rights have been given by us, given by constitution to us. Okay, six fundamental rights are given by constitution to us, and if any fundamental right is violated, agar hamara koi bhi fundamental right violate hota hai to we can directly approach टू सुप्रीम कोर्ट. फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो हम फिर हम वेट नहीं करेंगे कि पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है, फिर हाई कोर्ट जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट. हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. गवर्नमेंट ने हमें दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. हम अपनी आवाज को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं इन न्यूज़पेपर, वी कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट. लेकिन अगर कोई पर्सन, उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखा, तो इट मीन्स उसका सुप्रीम को उसका जो फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है. ऐसे में वो पर्सन जो लॉयर करेगा, एडवोकेट जो उसकी हेल्प करेगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसका केस फाइल हो सकता है, डायरेक्टली अप्रोच. फिर उसको जरूरत नहीं है कि वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा फिर हाई कोर्ट जाएगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट. और इफ एनी लॉ इज वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय इंस्टीट्यूशन, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का वायलेट हुआ है, तो वो पर्सन जो है वो सीधा प्रोटेक्शन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से. सो दैट इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. देन एडवाइजरी फंक्शन. जब मैंने आपको प्रेसिडेंट के फंक्शंस करवाए थे, उस समय मैंने आपको ये पॉइंट करवाया था दैट प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो इसमें हम क्या बताएंगे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन गिव एडवाइस. हम सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं तो हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का बताएंगे इसमें, दैट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन एनी बिल और इशू और लीगल इशू. यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जजेस प्रेसिडेंट को किसी भी बिल के रिगार्डिंग कोई भी लीगल एडवाइस दे सकते हैं. क्योंकि प्रेसिडेंट और जजेस में से कंपेयर करें तो जजेस को लॉ की ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि उन्होंने लॉ को ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट जो भी बिल उनके पास आते हैं उन बिल को अपने पास कुछ देर के लिए डिले कर सकते हैं, और इन द मीन टाइम वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कोई भी एडवाइस ले सकते हैं. इसको क्या कहा जाता है, एडवाइजरी फंक्शन. Again, I'm repeating that judges of Supreme Court can give advice to the President regarding any issue or bill. ठीक है, कोई भी legal advice या किसी भी legal issues के ऊपर वो advice दे सकते हैं. लेकिन उसकी advice को मानना या ना मानना President के ऊपर depend करता है. It means advice given by judges of Supreme Court is not binding on President. इसका मतलब है कि advice उन्होंने दे दी, उसको मानना या ना मानना. सपोज अगर प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं कि हाँ जी ये बिल पास किया जाए या नहीं किया जाए, तो अगर जजेस कह देते हैं कि हाँ जी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट फिर अपनी फाइनल अथॉरिटी उनकी ही है,
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बाइंडिंग का मतलब है कि उनकी एडवाइस को मानना या ना मानना वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। वो अलग बात है कि वो कुछ लीगल इश्यूज के ऊपर प्रेसिडेंट जो है उनसे एडवाइस लेते हैं, एडवाइजरी फंक्शन। देन इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास आए दिन कितने ही केसेस आते हैं, इनके रिजल्ट्स को प्रॉपर पब्लिश किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। रिजल्ट्स यानी कि जो भी रिजल्ट्स हैं केसेस के, रिजल्ट्स आर पब्लिश किया जाता है उनको एंड प्रिजर्व इन रिकॉर्ड रूम्स। आजकल तो कंप्यूटराइज है तो प्रॉपर कंप्यूटराइज सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर कल को सपोज 1 ईयर के बाद 2 ईयर के बाद सेम वैसा ही केस आए और एक ही तरह की जजमेंट दी जाए, मतलब केस हो सकता है उसकी टाइप सेम हो सकती है, तो जो लॉयर होंगे एडवोकेट होंगे तो जो भी लॉ पढ़ते हैं वो सारा केसेस को स्टडी करते हैं कि दिस एंड दिस ईयर में ये केस था, इसकी क्या रिजल्ट हुआ, जजेस ने क्या फैसला दिया, कौन सा आर्टिकल किस तरह से, तो ये सारा जो है पब्लिश किया जाता है पूरा केस। तो जो लॉ करते हैं ना, जो लॉयर बनते हैं एडवोकेट जो ने बनना है, तो उनको इन केसेस को प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है और उसके बेसिस के ऊपर इनको ये देखना पड़ता है कि जब ये पर्टिकुलर ये केस आया जजेस ने क्या इसके ऊपर जजमेंट दी, एडवोकेट्स ने कौन सा आर्टिकल लगाया, किस तरह से क्या पनिशमेंट मिली, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर सेम इसी तरह का केस आए दोबारा से तो जजमेंट भी सेम ही दी जा सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी रिजल्ट्स, जो भी केसेस के रिजल्ट्स होते हैं उनको प्रॉपरली पब्लिश किया जाता है एंड कैप्ट एज अ रिकॉर्ड प्रिजर्व किया जाता है, ताकि दे कैन बी कोटेड एज एग्जांपल्स फॉर नेक्स्ट हियरिंग्स एंड नेक्स्ट केसेस, ठीक है। सो दीज आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम करते हैं, सेम है हाई कोर्ट की फंक्शंस एंड पावर्स, वो भी सेम ही है, हेडिंग सेम है लेकिन कुछ चेंज है क्योंकि वो हाई कोर्ट का है। इसमें हम चेंज करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसमें हाई कोर्ट के हैं, तो हाई कोर्ट में हम बताएंगे दैट इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट का हाईएस्ट ऑर्गन होता है, हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट। कई बार दो स्टेट्स का कंबाइन भी हो सकता है, पंजाब एंड हरियाणा का कंबाइन हाई कोर्ट कहां पे है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो कई बार दो स्टेट्स का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। हमारी कंट्री में जरूरी नहीं है कि जितनी स्टेट्स हैं उतने ही हाई कोर्ट हो, कई बार दो स्टेट्स का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो हमने बताना है पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ पे है, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कॉमन कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। कॉम्पोजिशन सेम, यहाँ पे भी एक इनका भी एक सीजे होता है, सीजे आई नहीं लिखना है, यहाँ पर सीजे आई हम लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है प्लस अदर जजेस, अदर जजेस नंबर हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अगर स्टेट बड़ी है तो जजेस ज्यादा होंगे, अगर स्टेट छोटी है तो जजेस कम होते हैं। चीफ जस्टिस का मतलब होता है मेन जज एंड अदर जजेस। क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कंपलसरी है, एंड दूसरा क्या होनी चाहिए, उनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट। यानी कि एक पर्सन को जज बनने के लिए या चीफ जस्टिस बनने के लिए हाई कोर्ट में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट, एज एन एडवोकेट 10 ईयर्स, ठीक है। और इनकी रिटायरमेंट एज टर्म 62 ईयर्स,
सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी होती है 65, हाई कोर्ट के जजेस की कितनी होती है 62 इयर्स, 62 के बाद इनकी रिटायरमेंट एज है, ठीक है। और रिमूवल सेम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को लोकसभा में रिमूव किया जाता है इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये है इनकी कॉम्पोजिशन। आगे आ जाइए, इनके केसेस कौन कौन से केसेस आते हैं, वो हो गए इनकी पावर्स एंड फंक्शंस। हेडिंग आपके सेम रहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आपने इसमें करना है, क्योंकि ये हाई कोर्ट स्टेट के लेवल का है। सेम ओरिजिनल केसेस, अपेलेट केसेस, सेम वही आ जाएंगे जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के हैं, दैट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ओरिजिनल केसेस, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के केसेस किए थे तो मैंने आपको कहा था पैलेट केसेस कौन से होते हैं, जो पहले हाई कोर्ट में जाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से आएंगे ओरिजिनल में, सिविल एंड क्रिमिनल, सिविल के बताओगे आप जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन, ये होते हैं सिविल केसेस। क्रिमिनल जिसमें क्राइम इन्वॉल्व होता है, ऐसे केसेस सीधा हाई कोर्ट में आ सकते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन्वॉल्विंग मैरिज, डिवोर्स, रेवेन्यू, इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये सीधे केसेस जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल ओरिजिनल केसेस। अपेलेट केसेस जो है वो ऐसे केसेस जो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट अपील सुन सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केसेस, यानी कि जो केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए उनके बाद अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील जो है करेगा हाई कोर्ट को, तो ये केसेस फिर हाई कोर्ट में आएंगे, यानी कि अपेलेट केसेस। कई केसेस ऐसे होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये केसेस जो है वो हाई कोर्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों ही हो सकते हैं, सिविल भी हो सकते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ केसेस सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कई केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट भी जाते हैं, कई लोग सीधा हाई कोर्ट में कर देते हैं, कई पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं। तो इस तरह से दोनों ही केसेस अपेलेट में, दोनों ही सिविल प्लस क्रिमिनल, सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों ही। अपील पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट से फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में सेम ही नोट करोगे, वही लिखोगे कि हाई कोर्ट कीप्स ऑल द रिकॉर्ड्स, हियरिंग्स, रिजल्ट्स एज अ रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड रूम। आज का कंप्यूटराइज है, प्रॉपर फाइल्स, प्रॉपर सारी जो है उसमें सेव किया जाता है, सो दैट फ्यूचर, इन फ्यूचर एनी काइंड ऑफ केसेस कैन बी गिवन गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू दैट। उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है प्रॉपर रिकॉर्ड रूम होता है हाई कोर्ट का भी, जिसमें सारे केसेस के रिजल्ट्स जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, पब्लिश किया जाता है। देन जुडिशियल रिव्यू स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें मेन स्टेट गवर्नमेंट लिखना है। इफ स्टेट गवर्नमेंट पासिस एनी लॉ दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का किया, इसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट का करना। जैसे पंजाब गवर्नमेंट, सपोज इफ पंजाब गवर्नमेंट पासिस एनी लॉ दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, देन हाई कोर्ट डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस इज नोन एज जुडिशियल पावर ऑफ द हाई कोर्ट। अगेन आई एम टेलिंग वट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, इफ स्टेट गवर्नमेंट लाइक पंजाब गवर्नमेंट पासिस एनी लॉ दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, देन हाई कोर्ट कैन यूज हिज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसमें क्या हो सकता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को उस लॉ को रिव्यू करने के लिए कह सकता है।
then High Court can give guidelines to state government to review that particular law. इसको क्या बोलते हैं? Judicial review of High Court. Then is administrative functions. Administrative functions में हमने क्या बताना है? Administrative functions का मतलब है कि High Court अपने से नीचे lower courts को guidelines देते हैं. हाई कोर्ट गिव्स गाइडलाइंस टू द लोअर कोर्ट्स. लोअर कोर्ट्स कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स होते हैं तो उनको गाइडलाइंस देते हैं. उनकी अपॉइंटमेंट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज होते हैं या जो एडवोकेट्स होते हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस जो है इशू करते हैं. उनकी प्रमोशन, उनकी अपॉइंटमेंट, तो ये सारा जो है वो हाई कोर्ट. हाई कोर्ट अपने अंदर आने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी प्रमोशन, जजेस की प्रमोशन, एडवोकेट्स उनकी जो भी प्रमोशन है या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस वो सारा फॉलो किया जाता है, ठीक है. और इस तरह से हाई कोर्ट हमारी कंट्री में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंचाता है. तो एपेक्स का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को गाइडलाइंस देते हैं और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है. और इस तरह से हमारी कंट्री में इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है ये इंटरलिंक है. इंटरलिंक का मतलब क्या होता है? सपोज कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई पर्सन हार गया, वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. हाई कोर्ट में हार गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल, दैट इज फाइनल एपेक्स कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट के बाद लास्ट हियरिंग कहीं भी नहीं. उसके बाद सिर्फ एक ही पावर है प्रेजिडेंट की, प्रेजिडेंट किसी की फांसी की सजा को लाइफ इंप्रिजनमेंट में, उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं. अदरवाइज हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज द लास्ट कोर्ट ऑफ अपील. क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द जुडिशियल सिस्टम. इसके बाद फिर हम करेंगे हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है दैट इज इंडिपेंडेंट. अगर आपको फंक्शंस आता है तो आपने दोनों मिक्स कर देने हैं. विच आर द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी? दोनों मिक्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट. अगर आपको आता है विच आर द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर? दोनों मिक्स होंगे, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के कंबाइंड फंक्शन. अगर आपको आता है विच आर द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव? दोनों मिक्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इकट्ठे आपने क्लब करके आंसर देना, ठीक है. अब है हमारी कंट्री में अलग अलग, अब सेम वहीं पे आ गए ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. हमारी कंट्री में जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल रखा गया. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. इसका मतलब जजेस जो हैं हमारी कंट्री के, ठीक है, वो मिनिस्टर्स के कंट्रोल में नहीं है, वो एमपीज के कंट्रोल में नहीं है. दे आर फ्री टू टेक डिसीजन, दे आर पावरफुल. नो डाउट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट वंस दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट दे आर फ्री टू टेक डिसीजन. सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर कोई भी फैसला लेना है उनको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर से नहीं पूछना पड़ेगा, दे आर फ्री. दैट इज, दैट्स द मीनिंग दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. क्यों? क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो अपना जो जस्टिस है, जो डिसीजन है, ठीक है, दे विल नॉट बी फ्री टू डिलीवर देयर जस्टिस इंडिपेंडेंटली. फेयर नहीं कर पाएंगे वो. अगर जजेस को बार बार प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा तो वो अपनी जजमेंट फेयर नहीं ले सकते, फिर डिले हो जाएगा, उतने डिले होगा. इसीलिए हमारी कंट्री को यहाँ पर जजेस को इंडिपेंडेंट रखा गया, ठीक है. वो इंडिपेंडेंट जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे अगर उनको हर बार बार प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा. मैंने आपको कहीं भी नहीं ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेते हैं, बल्कि वो देते हैं, वो लेते नहीं, ठीक है. तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं हमारी कंट्री में जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट रखी गई है या क्यों होनी चाहिए,
दोनों ही तरफ से, अगर मैं पूछूं व्हाई इट शुड बी इंडिपेंडेंट, तो आपने बताना है सो दैट जजेस दे कैन टेक देयर डिसीजन इंडिपेंडेंटली, दे कैन डिलीवर पार्शियल जस्टिस, फेयर हो वो, इनफेयर ना हो, ठीक है, जो भी वो पॉलिसीज या जो भी उनके डिसीजन होते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह से मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारी कंट्री में क्या रखा गया है, प्रोविजंस क्या है, वो हमने बताना। नंबर वन, मेथड ऑफ, इसमें हमने बताना है कि कैसे उनकी अपॉइंटमेंट क्या है, अपॉइंटमेंट आपको सबको पता है, मेथड अपॉइंटमेंट में क्या बताओगे, दैट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चाहे सीजेआई भी है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, बट वंस दे आर अपॉइंटेड देन आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस, इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग देयर जजमेंट, यानी कि दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट देन दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग देयर हियरिंग्स और केसेस। ऐसा इसलिए ताकि वो किसी भी तरह से जो है वो अपनी जजमेंट के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। सेकेंड इज मैथड ऑफ रिमूवल, यानी कि इनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन बी रिमूव ओनली बाय द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, इन द पार्लियामेंट Judges of Supreme Court and High Court can be removed by impeachment resolution in the Parliament. यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट में ही उनको वोटिंग करके हटाया जा सकता है, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये उनके स्टेटस को एक इम्पोर्टेंस देने के लिए है ना। सेम प्रेजिडेंट को भी, हमारी कंट्री में प्रेजिडेंट को भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। देन थर्ड, गुड सैलरीज, हाई सैलरीज दे हैव बीन पेड, इनको इतनी ज्यादा इनकी हाई सैलरीज दी जाती हैं ताकि ये मनी के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी जजमेंट को चेंज ना करें, ताकि करप्शन और ब्राइबरी से इंस्पायर होकर ये अपनी जजमेंट को चेंज ना करें। द सैलरीज दे हैव बीन गिवन वेरी हाई सैलरीज, जजेस की सैलरीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के जजेस को फाइनेंशियली इतना ज़्यादा साउंड किया जाता है, इतनी फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि वो किसी भी तरह मनी के इन्फ्लुएंस में आकर जजमेंट चेंज ना करें। लॉन्ग टेन्योर टर्म 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 62 फॉर हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 रखी गई है, हाई कोर्ट की 62 रखी गई। ऐसा इसलिए, जनरली रिटायरमेंट एज 58 हो जाती है ताकि इनको अपनी रिटायरमेंट के बाद कहीं और जॉब करने का कोई स्कोप ना, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होगा तो 65 इयर्स यानी कि उसके बाद उनको काम करने की जॉब जरूरत नहीं है, तो वो उससे नीचे लोअर रैंक पे कहीं ना जॉब करें, इसीलिए उनकी इतनी ज़्यादा रिटायरमेंट एज रखी गई है ताकि उनको अपनी रिटायरमेंट के बाद की भी कोई टेंशन ना हो, ताकि उनका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर हो, ठीक है। एंड इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना मींस उनको इम्पार्शियल और फेयर करना, ताकि किसी भी तरह से मिनिस्टर्स जो हैं या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके ऊपर किसी भी तरह से कोई भी कंट्रोल ना रख सके। दिस इज द रीजन व्हाई इन आवर कंट्री जुडिशरी हैज बीन केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ताकि उनको अपने किसी भी केस या किसी भी मैटर से रिलेटेड इनकी इनके ऊपर डिपेंड करने की नॉलेज ना हो। तो हाईली क्वालिफाइड, ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इनको प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है, ताकि इनको किसी भी तरह से अपने जजमेंट के लिए किसी और से डिसीजन या पूछने की जरूरत ना पड़े। तो दैट वाज ऑल अबाउट द जुडिशरी, क्लियर। तो ये हमारी कंट्री में कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को यूज किया गया है। एक और टर्म है लोक अदालत,
कई बार क्या होता है हमारी कंट्री में जुडिशरी कहते हैं बहुत डिले है, केसेस बहुत पेंडिंग पड़े, लेकिन पुअर पीपल की हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने एक नया जो है वो बेंच ऑफ एडवोकेट्स जो है वो स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं लोक अदालत। इसका मेन मोटिव क्या है? स्पीडी जस्टिस देना, टाइम सेव करना। स्पीडी जस्टिस, ताकि जस्टिस जल्दी मिले, टाइम सेव हो, ठीक है, टाइम एंड मनी, टू सेव मनी एंड टाइम, क्योंकि लॉयर्स की फीस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो पुअर पीपल की हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक बेंच स्टार्ट किया है, दैट इज कॉल्ड लोक अदालत। फर्स्ट टाइम ये कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1985 दिल्ली। इसमें क्या किया गया, जितने भी पेंडिंग केसेस थे उन पेंडिंग केसेस का निपटारा किया गया था, ठीक है, ताकि जैसे सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस क्लेम, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से तीन याद कर लो, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल किसी का ज्यादा आ गया, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस नहीं मिल पाया किसी को, ऐसे कुछ मैटर्स को लोक अदालत का मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट, काइंड ऑफ आउट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है जिसमें बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं होता, जल्दी से उनको निपटारा उनका करवाया गया, ताकि लोगों को ग्रीवांसेस, सपोज किसी का बिल ज्यादा आया है, टेलीफोन का बिल ज्यादा आया है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, और इसके लिए लोक अदालत का कंसेप्ट रखा गया, जिसमें लोगों का टाइम सेव होता है, उनको एडवोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके केसेस जो है वो जल्दी से निपटा दिए जाते हैं। आउट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कुछ जो है वो केसेस में लॉयर्स की जरूरत नहीं पड़ती, जो लोगों के ग्रीवांसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको जल्दी से निपटारा कर दिया गया, ताकि बहुत ज्यादा जो जितने पेंडिंग केसेस हैं उनको सुलझाया जाए, ठीक है। और एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हम कल करेंगे, जिसमें हमने ये बताना है कि किस तरह से जो पुअर पीपल हैं वो कैसे अपने केसेस या जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर?